नमस्कार, वडोदरा न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। और बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का मतदान आज सुबह से ही शुरू हो गया है। 71 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है और 1000 से भी ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य आज ईवीएम में लॉक हो जाएगा। आज बिहार विधानसभा के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारतीय मित्र मंडल के अध्यक्ष विश्वकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं। और बिहार की जनता आज किन मुद्दों पर मतदान कर रही है, बिहार की जनता अपने आने वाली सरकार से क्या चाहती है, क्या मुद्दों पर बिहार के चुनाव हो रहे हैं और सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विश्वनाथ जी है। सर, सबसे पहले बिहार की जनता अभी मतदान कर रही है, 71 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, पूरा जो चुनावी रैलियां हुई हैं काफ़ी सारी और वो भी कोरोना काल में, वहां के जो लोग हैं जिस तरह से हम मतदान देख रहे हैं, लोग मतदान करने पहुंच भी रहे हैं, कहीं नहीं लगता है कि किसी को भी कोरोना का जो डर था वो कहीं लग रहा है, क्या सोच कर लोग मतदान कर रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि देखिए आज के डेट में आज बिहार किस जगह पर खड़ा है, उसका भूत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या रहेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जो दिखता है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उस पर लोग बातें करते हैं। आपका पहला चैनल है जो मूल वहाँ के बिंदुओं पर आप लोग डिस्कस करते हैं, आप वहाँ के विकास कैसे हों, वो पिछड़ गया तो क्यों पिछड़ गया, कभी भारत के राजस्व में योगदान देने वाला बिहार आज क्यों बेहाल है, इन सब चीज़ों पर चर्चा सब लोग नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे कोई भी हो, वहाँ की जितनी राजनीति दलें हैं, वो सब लोग अपना अपना मुद्दा, अपना अपना एजेंडा लेकर के बिहार की जनता के सामने आज प्रस्तुत हैं। बिहार की जनता भी सही मायने में आप पूछिए तो अब इन्हीं लोगों में से उनको विकल्प तय करना है। स्वाभाविक है, जब आप दो बुरे लोगों में से एक को अगर आपको चुनना है तो जो उसमें से सबसे कम बुरा होगा आप उसकी प्रशंसा करेंगे, आप उसको चुनने का प्रयास करेंगे। हमारे बिहार की भी कुछ परिस्थिति ऐसी ही है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबने अपने अपने एजेंडे रखे हैं कि हम बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन बिहार के लिए सही मायने में धरातल पर उतरने वाली कोई एजेंडा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के विकास को नकारा नहीं जा सकता, हम लोगों ने 90 के दशक भी देखे हैं, उसके बाद हमने 2000 के बाद के 2005 के बाद के नीतीश कुमार के 2020 तक की सरकार को भी देखे हैं, उन्होंने काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी बिहार में अपार संभावनाएं हैं। बिहार में आप देखिए तो अपार संभावनाएं हैं, रोजगार के जहाँ तक बात है वहाँ से काफ़ी लोग 1980 के बाद ही पलायन शुरू कर दिए और उसका तादाद 90 के दशक में बढ़ करके दोगुना या तीन गुना तक पहुँच गया, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन पलायन पूरी तरह से रुका नहीं है। अभी जो कोरोना काल में जो बाहर से लोग गाँव के तरफ मूव किए हैं बहुत बुरी परिस्थिति में, जब लॉकडाउन फर्स्ट चालू हुआ तो लोगों को असहनीय पीड़ाएं हुई और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लोग गांव के तरफ रुख कर गए, तो अभी चूंकि ताज़ा मामला है तो सबके दिमाग में वो कष्ट है, वो तकलीफ है जो उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले काटे हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया कि वर्तमान में लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और लोग कौन सा आधार बना करके वोट करेंगे, तो देखिए हर आदमी का वहाँ अपना अलग सोच है, कुछ लोग रियल में तकलीफ में हैं, जो बाहर नौकरी कर रहे थे लॉकडाउन के वजह से, दिहाड़ी मजदूर थे, उनका घर यहाँ, उनका यहाँ अपना परिवार चलाना या घर अपना खुद का भी सब चलाना मुश्किल था,
वो लोग यहाँ से गांव के तरफ पलायन करें, उसमें जो कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा उसको लेकर के कुछ तकलीफ उनको जरूर है। हो भी सकता है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार से नाराज होकर के और तेजस्वी यादव के तरफ में ही मूव करे। और भी ऑप्शंस हैं लोगों के पास, इस बार तो बिहार में काफ़ी ऑप्शंस हैं, वैसे तो ऑप्शंस हर बार रहते हैं किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य में चले जाइए, लेकिन और बिहार के यूपी के अलावा और राज्यों में एक मतलब उनके पास बहुत कम विकल्प होते हैं। लेकिन सर जिस तरह से मैं बताऊं, आप विकल्प बता रहे हो, लेकिन ये जो चुनाव है थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि नीतीश जी को एक लंबा समय हो गया। आपने जैसे बताया कि उनके भी काम लोगों ने देखे और उसके पहले लालू एक युग भी चला था तो वो भी लोगों ने देखा है। तो अभी जो चुनाव प्रचार हुआ, अभी तक का जो चुनाव प्रचार है, तो आपकी बात भी होती होगी, आप वहाँ से हैं बिहार से, तो क्या कौन सा मुख्य मुद्दा है? क्योंकि एक चुनाव में कोई एक मुद्दा तो मुख्य होता है जिस पर ज़्यादा वोटिंग हो जाता है। इस बार जो है वहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वहाँ का भी डेवलपमेंट है, तो ये मुख्य मुद्दे हैं। लोग स्वाभाविक है कि देखिए आज वर्तमान में जो कुछ भी आपको मिलता है आप भूत से उसकी तुलना करते हैं। लोग आज भी बिहार में जो चुनाव है और लोग जो तुलना कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड लेवल पे, वो लालू के जमाने के जो विकास हैं उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो पहले 5 साल विकास किया उससे दूसरे विकास की तुलना कर रहे हैं, दूसरे 5 साल की, और उस 10 साल जो पहले उन्होंने विकास किया उससे अभी इस 5 साल की तुलना कर रहे हैं। तो जो तुलना है वो लालू के कामकाज की तुलना नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे तो 15 साल एक युग होता है। आज जो है 20 साल के जो बच्चे हुए हैं, जो 18 से 20 साल के बच्चे जो मतदान करने की परिस्थिति में हैं, जो नए वोटर बने हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि लालू ने क्या किया था, लालू के शासन में क्या हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो वोट हो रहा है वो नीतीश कुमार के विकास पे ही हो रहा है, और नीतीश कुमार ने जो पहले 10 साल विकास किए थे उसमें और इस 5 साल के विकास में दोनों को टैली लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि चूंकि एक लालू यादव का परिवार भी एक बड़ा पॉलिटिकल परिवार है बिहार में, उनका अपना एक दबदबा रुतबा रहा है, और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण समझिए या जातिगत ध्रुवीकरण के वजह से कुछ जातियाँ कुछ संप्रदाय उनसे शुरू से जुड़ा हुआ है, तो वो वोट प्रतिशत उनको, वो चाहे कुछ करें ना करें, कुछ उन्होंने नीतीश कुमार ने अच्छा किया बुरा किया उस पर ना ध्यान दे करके वो लालू को वोट कर देते हैं। देखिए सर ये बात मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि जो बिहार के बारे में लोगों की छाप है, जैसे आप गुजरात में हो तो गुजरात के लोग जिस तरह से बिहार को देखते हैं और दूसरे लोग जो देखते हैं, एक समय था जब मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने सुना है और जितना मैं समझ पाया कि गुंडागिरी जैसे क्राइम के मामले में, लेकिन आज जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो युवा हैं उनकी सोच बदली है, या हम यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं अभी वहाँ की जो परिस्थिति है, जो बिहार को लोग पहले देखते थे अब ये तो कह सकते हैं पॉजिटिव वे में आया है कि जो विकसित देश हैं या विकसित राज्य जिस मुद्दे पर चर्चा करते हैं बिहार भी उसी मुद्दे पर चर्चा करने लगा है, तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, जो अभी बीच में जो बिहार के तरफ हम लोग देख रहे थे या मतलब और राज्य के लोग जिस तरह से बिहार के तरफ देख रहे थे वो अन्याय था बिहार के साथ में। आपको बता दें कि अपराध प्रशासनिक लापरवाही या प्रशासनिक छूट का ही बढ़ावा है। किसी भी राज्य में अपराध प्रशासन की लापरवाही के वजह से ही पनपता है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब लालू जी की सरकार गई होमगार्ड के पास बिहार में लाठी के सिवा कुछ नहीं था, और बिना किसी क्राइम के नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में लाठी के बल पर और पंचायत चुनाव करवा दिए पूरे बिहार में, इतनी बड़ी आबादी इतना बड़ा जनसंख्या और पूरे बिहार में केवल लाठी के बदौलत ही उन्होंने
पूरा बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि क्राइम में आज भी अब देखें, अभी तो बिहार 23वें नंबर पर है इस टाइम में, तो बिहार में क्राइम का रेशियो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। और अगर वहाँ थोड़ी सी रोज़गार व्यवसाय और वहाँ प्रशासन और सख्त हो जाए और कुछ इंडस्ट्रीजें, कुछ व्यापारी वहाँ जाने लगे, कुछ इंडस्ट्रीजें लग जाए, तो आप देखेंगे कि वो नंबर वन राज्य बन जाएगा, एक नंबर पर रहेगा। इस बार जब मैं बात ये भी कर रहा हूँ कि एक बार नीतीश जी का दूसरा नाम प्रशासन बाबू है, वहाँ का उनका प्रशासन की बहुत वो है, तो एक तरफ 15 साल का प्रशासन दिख रहा है और एक तरफ युवा है, तेजस्वी हो चाहे अभी तो जो कन्हैया कुमार CPI जो उनके गठबंधन है वो भी काफ़ी रैली कर रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ नीतीश यानी NDA, दूसरी तरफ युवा, और चिराग पासवान को भी माने तो वो भी अब युवा ही हो गए हैं। तो बिहार की जो जनता है वो का उसका टेस्ट क्या है, वो प्रशासन या अनुभव या युवाओं की नई सोच? देखिए इसमें क्या है कि जो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स इसको बोलेंगे, राजनीति में हमारे यहाँ अच्छी एक सोच आई है, आज राजनीति जो है बेहतर विकल्प के तौर पर दिखने लगा है, हमारे युवा उसमें अपने योगदान को पहचानने लगे हैं। ये अच्छी बात है किसी भी राज्य के लिए, जब किसी भी राज्य में युवा अगर पॉलिटिक्स के तरफ उनकी रुझान बढ़े तो आप समझिए कुछ बेहतर हो रहा है। हमेशा आप देखेंगे कि आविष्कार हमेशा युवा पीढ़ी ही करती है, नया जनरेशन ही आविष्कार करता है, तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा अगर राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन बिहार की अगर सही मामले में अगर आप उत्थान करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक समय में जो भारत के राजस्व में अपना सर्वोच्च योगदान दे रहा था बिहार, वो आज इतना पीछे क्यों चला गया? आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि एक ज़माने में पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला बिहार आज अशिक्षा के कगार पर क्यों खड़ा है? आपको एक बार पुनः उस चीज़ पर सोचना पड़ेगा, हस्तकरघा उद्योग हो, कपड़े के उत्पाद से लेकर के पटसन के खेती से लेकर के जो हमारी पारंपरिक खेतियां थी जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे थे, उसको नष्ट क्यों किया गया? आज जो है अपारंपरिक खेती, जो अब मान लीजिए कि जैसे दियारा क्षेत्र है, ज़्यादातर एरिया हमारे बिहार में आप पाओगे तो दियारा क्षेत्र है, क्योंकि भारत की सारी प्रमुख नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं और गंगा बिहार से होकर के जाती हैं, कोसी, गंडक, ये सारी नदियाँ बिहार की आकर के गंगा में मिलती हैं। इन नदियों के किनारे के क्षेत्र को हम दियारा बोलते हैं। दियारा क्षेत्र में के उत्थान के लिए पहले हमारे यहाँ क्या था, गन्ने की खेती होती थी, पटसन की खेती होती थी। गन्ने की खेती, पटसन की खेती से बेनिफिट ये होता था कि जंगल तीव्र गति से विकसित होते थे, शीशम की खेती अपने आप उसमें क्रिएट हो जाती थी, उसमें जो है जंगली पेड़ पौधे अपने आप उगाते थे, क्योंकि 6-6 महीना साल भर उस खेतों में न किसी का जाना आना कठिन हो जाता था, तो वृक्षों को पेड़ों को नुकसान कम पहुंचता था, तो अपने आप लग जाते थे, हरे भरे हो जाते थे। वो बाढ़ के समय में जो जमीनी कटाव था उससे वो बिहार को बचाते थे। आज परिस्थिति बदल गया है, आज उस पारंपरिक खेती को लोग छोड़ करके धान गेहूँ की खेती करते हैं, जिससे कि फसल भी नष्ट होता है, हमारी जमीन में भी कटाव तीव्र गति से नदी कर पाती है, जिसके वजह से हमारे बिहार के राजस्व का भी बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। सर एक बात ये भी है कि जैसे आपने, हम लोग आंकड़े देखते हैं, जैसे आपसे भी चर्चा किया, तो 60% जब लोग बिहार से बाहर हैं, और ये मान ही सकते हैं कि रोजगार के कारण ही गए होंगे, लेकिन अभी जो एक आंकड़ा आ रहा है सामने कि रोजगारी के लिए तो हर आदमी अपना गांव छोड़ता है, चाहे मैं भी कहीं से आया हूं या कोई कहीं भी जाता है, और ये बरसों की परंपरा है कि रोजगार के लिए लोग अपना गांव छोड़ते हैं,
लेकिन अभी मामला ये हो गया है कि शिक्षा के लिए, और वो भी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई शहर जाता है तो अलग बात है, पर बिहार में तो बेसिक शिक्षा और बेसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये कितनी चिंता का विषय? देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और किसी भी राज्य के लिए ये बहुत बड़ी चिंता के का विषय है। पहले आप देखेंगे, पहले व्यापार के तरीके अलग थे, ट्रांसपोर्टेशन के जो सुविधाएं थी वो निम्न स्तर पर थी। आज काफ़ी डेवलप्ड हो गए हैं। आज जो है, पहले बैलगाड़ियों, घोड़ा, खच्चर, इनसे जो सब वस्तुएं ट्रांसपोर्टेशन होती थी, आज वो ट्रकों, और आज आप देखें वॉल्वो वगैरह सब बड़ी बड़ी नई नई तरह की गाड़ियाँ, एक्सल्स वगैरह सब आज आ गए। आज हमारे को 100 टन वजन ले जाने में, 200 टन का वजन ले जाने में बहुत ज़्यादा हमको सोचना विचारना नहीं है। आज आप देखेंगे, तो रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में आप देखेंगे कि मैं आपको पहले ही बताया कि बिहार की तरक्की 3 चीज़ों पर ही संभव है। पहले कि हम शिक्षा की प्लानिंग करें। आज गाँव में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। शिक्षा मित्र को नियुक्त कौन करता है? मुखिया। आज मुखिया, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, उसको मत से आना है, चुन करके आना है, जनता उसको वोट करती है। तो एक मुखिया जो खुद ही हाई स्कूल फेल होगा या हाई स्कूल तक नहीं पढ़ा है, उसको उच्च शिक्षा या निम्न शिक्षा के बारे में भी उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या चयन करेगा? चलिए, मेरिट के आधार पर भी आपने एक बार ले लिया कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसको हमने ले लिया, तो उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है, कौन दे रहा है? तो जब वो ट्रेंड ही नहीं है, टीचर के लायक ही नहीं है, और वो शिक्षा देंगे तो हमने रोज़गार तो उनको दे दिया, ठीक है, एक तरफ से तो आपने बेहतर कर दिया कि उनको रोज़गार दे दिया, रोज़गार सृजन हो गया, उनको रोज़गार मिल गया, लेकिन फ्यूचर का क्या, भविष्य का क्या, वो क्या भविष्य बनाएंगे? तो पहले तो सबसे पहले बिहार में आपको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा का को प्लानिंग से लागू करना पड़ेगा, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के सारी शिक्षा में ट्रेंड टीचर को लाना पड़ेगा। उसकी सैलरी कहाँ से पे की जाए, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बात बता दूँ कि कृषि, हमारा राज्य बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, ज़्यादातर लोग वहाँ कृषि पर निर्भर हैं, तो कृषि की जो प्लानिंग है वो आपको सुदृढ़ रूप से करनी पड़ेगी। आप आज लोग बोलते हैं बाढ़ में डूब जाता है, ये होता है, वो होता है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये नदियाँ 1947 के बाद तो आई नहीं है बिहार में, ये नदी 1990 में तो आई नहीं थी बिहार में, ये नदी 2005 में तो आई नहीं बिहार में, ये तो हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने बिहार में इन नदियों को देखा है और झेला है। बारिश का सीजन होगा, बारिश होगी, स्वाभाविक है कि पानी में वृद्धि होगा, जलस्तर बढ़ेगा नदियों का, बाढ़ आएगा, लेकिन पहले के लोग उन नदियों के किनारे दलहन की खेती करते थे, अरहर जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, 5 फीट से ऊपर के जो पेड़ होते थे, 4 फीट 5 फीट के ऊपर के जो पेड़ पौधे होते थे, उन सब फसलों की नदियों के किनारे खेती होती थी। मैंने पहले भी आपको बताया, गन्ना का खेती होता था, पटसन का खेती होता था। तो आज जो है वो सारी पारंपरिक जो खेतियां हैं वो बंद कर दी गई, तो बाढ़ का भयावह रूप आप देख लीजिए बिहार में, कितना त्राहिमाम लोग करते हैं, सरकारें सोच नहीं पाती कि हम इनको क्या करें। तो सबसे पहले बिहार में कृषि प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर, हम लोग ये चर्चा जब अलग अलग चरण के चुनाव होंगे तो और भी बिहार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक चर्चा में पूरा बिहार पे चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास कम है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ आज की चर्चा का, कि अभी जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल तो नहीं कह सकते हैं, लोगों का अनुमान है, जो आंकलन है, उस पर ये आंकलन है कि NDA को 43% वोट मिल रहे हैं और जो महागठबंधन है उसको 35% मिल रहे हैं। तो इस जो अनुमान लोग लगा रहे हैं, तो महागठबंधन का तो ये भी कहना है कि 35% तक आ जाना फाइट है, और 43 वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। आप पहले चरण के मतदान में और अभी तक के जो चुनाव प्रचार हैं, बिहार की जनता का अनुमान क्या लगाते हैं, ये जो आंकलन है इस पे क्या कहें? देखिए,
अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन उसे नहीं कहा जा सकता कि एनडीए का मत प्रतिशत कम हो रहा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान इनके साथ थे, तो स्वाभाविक है उनका ट्रांसफरेबल वोट्स हैं, वो जिस साइड में रहते हैं जहाँ रहते हैं उनके वोट उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आज ज़्यादातर मतलब उनके वोट एनडीए से बाहर हो चुके हैं, उनके पास शिफ्ट हो जाएंगे, उतनी वोट तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इधर कम होने ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लालू प्रसाद यादव के साथ में पिछली बार जो वोट थी, जैसे साहनी और अपने ये क्या नाम है माझी जी, तो माझी जी और साहनी का जो वोट उधर था वो अभी एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो पहले आरजेडी के गठबंधन में महागठबंधन के साथ में जो 2010 में वोट थे, लमसम वही वोट प्रतिशत आज भी उनके साथ है और रहेगा। 1-8% तो देखिए गड़बड़ होता ही है, और अभी कोरोना काल में जो परिस्थितियों को लोग झेल करके गए हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ गुस्सा कुछ नाराजगी तो सरकार के प्रति, अरे जो सरकार में उसी के प्रति नाराजगी रहेगी ना, तो थोड़े बहुत तो वो रहेगा ही प्रॉब्लम। लेकिन कुल मिलाकर के जो रुझान है या जो परिस्थिति वहाँ देख रही है, अल्टीमेटली लोग यही बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी है नीतीश कुमार बेहतर है। तो मे भी उम्मीद है कि भाजपा और एनडीए की ही सरकार बिहार में भी बनेगी। खूब खूब धन्यवाद आपका हमारे से चर्चा करने के लिए, और ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे आगे भी। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, 71 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहे हैं, और भी दो चरण अभी भी बाकी हैं। 10 तारीख को 10 नवंबर को ये चुनाव होने वाले हैं, और दिवाली से ठीक पहले बिहार में किसकी दिवाली होगी, मतदार जो हैं उन्होंने किस मुद्दे पर मतदान किस दल को किया है और किस दल की ये दिवाली होगी, वो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन हमें इस चुनाव में बिहार को क्या चाहिए, बिहार के क्या मुद्दे हैं, बिहार कैसे बेहतर है अन्य राज्यों से और बेहतर क्यों नहीं रहा अन्य राज्यों पर, इस पर भी हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे।